कता माफ अली शाह, अगर वक्त के रहते शाहजी के खिलाफ ठोस और सख्त कदम ना उठाए गए तो हालात हाथ से बेहाथ हो जाएंगे। हुजूर, मराठा कौम के बड़े बड़े सरदार बंगलुरु में इकट्ठा हो रहे हैं। हुजूर, खुफिया मंसूबाबंदी से ये शाह खुफिया मंसूबाबंदी वो भी शाहजी हमारे खिलाफ। जी हुजूर। आलीजा, लगता है मुस्तफा खान साहब को किसी ने गलत खबर दी है, वरना शाहजी साहब के उजले किरदार से तो हुजूर खुद बरसों से वाकिफ हैं। उनकी वफादारी तो वफादारी, इसी वफादारी के नकाब के पीछे छुपी हुई गद्दारी और हुकूमत को मिटाने की खौफनाक की क्या आपको नजर नहीं आ रही है? खान साहब, क्या आपने कभी उस शख्स के आंखों में झांका है जहां से आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ नफरत और बगावत के शोले भड़कते हुए मुझे नजर आ रहे हैं? माफ कीजिएगा, शाहजी साहब जैसे बहादुर और वफादार रिसालदार की नियत पर शक करना कतई बेवकूफी है। क्या यानी कि वजीर आला, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब साफ है अली जा, मराठों का इस तरह एक जगह इकट्ठा होना हुजूर की सल्तनत के लिए निहायत ही। माफ कीजिएगा अली जा, हमारे शाहजी महाराज पर ऐसा छिछोरा इल्जाम लगाना बिल्कुल है। रंदुल्ला खान साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप शाहजी की तारीफ में जमीन आसमान को क्यों मिला रहे हैं? जनाब, ये कमबख्त मराठे अगर इकट्ठा हुए तो हुजूर की सल्तनत को तिनके की तरह बिखेर के रख देंगे। अरे शाहजी आपके दुश्मन नहीं है, वो आदिल शाह के दुश्मन है, आदिल शाही सल्तनत के दुश्मन है। अरे आप तो क्या, बुरा वक्त आने पर आदमी का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, पर मैं कैसे छोड़ूं? मैंने तो अपनी दुख्तर दे रखी है आदिल शाह को। कोई भी वालिद अपनी बेटी को बेवा होते नहीं देख पाएगा। यकीनन शाहजी अली जा के खिलाफ साजिश में मसरूफ है। कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं आप? खुश रहिए सुल्तान हजरत। हाँ तो वजीर आला क्या फरमा रहे थे आप? बेगम हुजूर, बंगलुरु में शाहजी के यहाँ बड़े बड़े मराठा सरदार निहायत खामोशी से इकट्ठा हो रहे हैं और खुफिया। अरे वाह, ये तो सुल्तान और उनकी सल्तनत के लिए निहायत ही मुनासिब और अच्छी बात है। बेगम हुजूर, यानी कि ये मराठा सरदार खुफिया मंसूबाबंदी कर रहे हैं और आप कह रही है कि ये हमारे हक में है? बेशक हमारे हक में है। आपको बेवजह बातों को तूल देने की आदत सी हो गई, बनी बनाई बात बिगड़ जाती है आपसे। अगर सारे मराठा सरदार शाहजी के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो होने दीजिए, ऐन वक्त पे हमारे दरबार से चंद वजीर वहां पर जाएं और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो सब सुल्तान आदिल शाह के गुलाम थे, गुलाम हैं और हमेशा गुलाम ही रहेंगे। बस उन्हें ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो आजादी के ख्वाब कभी ना देखें, और ये काम आपसे बेहतर और निहायत ही खूबसूरती से रणतुल्ला खान साहब कर सकते हैं। सुभान अल्लाह अम्मी जान, सुभान अल्लाह, बजा फरमाए। वजीर आला आप जाइए, साथ ही रणतुल्ला खान को लेते जाइए, लेकिन याद रहे उन सब मराठों के होठों पर हमारा कसीदा, हमारी तारीफ होती नजर आनी चाहिए, समझे? जाइए। जो हुक्म आली जा।
और कितनी दूर है? सही भाई, बहुत उत्सुक हैं आप। कुछ ही देर में हम पहुंचते ही होंगे। जी माँ साहब, हम तो बस चाह रहे थे कि राजे हमसे बात करें। कल से हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं आप लोग। अब बंगलूर जाकर फिर से ये लड़ाई झगड़ा शुरू न कर देना, नहीं तो उमा भाई साहब क्रोधित हो जाएंगी। उन्हें पसंद नहीं ये सब। उमा भाई, नाम लेकर पुकारती हो? दादी है वो शिवबा की, माँ साहेब कहकर पुकारते हैं हम उन्हें। उनके आगे साहस नहीं होता हमारा घूंघट हटाने का। जल्दी जल्दी काम करो, हमारे शिवबा आते ही होंगे। तो क्या वो वहाँ अकेले ही? बहुत प्रश्न करती हैं आप। चलिए आपको बता ही देते हैं वहां आपकी किन किन से भेंट होगी। शिवबा की दादी के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, फिर वहां आपकी जेठानी भी है, जयताबाई, हमारे संभाजी राजे की पत्नी। और हाँ, वहां हमारी तरह माँ साहेब भी है। माँ साहेब, वो तो आप हैं। नहीं सही भाई, आपकी छोटी माँ साहेब तुका भाई। अरे अभी तक तैयारी हुई नहीं, चलो जल्दी करो। ताई साहेब कितने वर्षों के बाद बंगलूर आ रही है, कुछ कमी रहनी नहीं चाहिए। कहीं मैं तो कुछ भूल नहीं रही हूं ना? भूल रही हो, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। यह सत्कार ही आपके जीवन में अंधकार लाने वाला है। दादा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं तुका भाई। अब रानी साहिबा, पुणे की जागीर पर तो अधिकार पहले से ही जीजाबाई साहब का है। सुना है कि बंगलूर की जागीर भी अब उनकी होने वाली है, तो आपके पास क्या बचेगा? दादा साहब, कभी तो शुभ शुभ बोला कीजिए। अभी तो आपको हमारी बातें अशुभ लग रही है, लेकिन जिस दिन आपको ठोकर लगेगी उस दिन आपको दादा साहब की याद आएगी। मासा, मासा, क्या बात है इको जी? मासा, वो बड़ी मासा और शिवा दादा आ गए। चलो। मेरा नाम संभाजी मोहिते है। हम जीते हैं, जीने नहीं देते। वाह, कितना भव्य स्वागत हो रहा है हमारा। वाह वाह।